हड़पति से शहबाद फ्रॉम टेकरी सलन के पास जो बात करने वाला हूँ मैं कि वीडियो की जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है नई यूट्यूबर के लिए क्या है, क्या ज़रूरी बातें हैं। तो बात करने वाला हूँ मैं चैनल नेम्स क्या इम्पोर्टेंट रखता है या नहीं रखता है, शेयरिंग लिंक ऑन सोशल मीडिया और नहीं, या फिर आप स्टार्टिंग में चैनल को प्रमोट या किस तरह से करें, या फिर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो बिफ़ोर अपलोडिंग मतलब कि आप वीडियो अपलोड करने से पहले क्या क्या चीज़ें वहाँ आपको करना चाहिए ताकि आपका चैनल वहाँ पे ग्रो करे और ट्रेंडिंग में जा सके। फिर इम्पोर्टेंट करूँगा कि थंबनेल ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कितने हद तक ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, वो चीज़ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ कि आपका चैनल नेम शुरू में मायने रखता है या नहीं रखता है। जी हाँ, चैनल नेम जो मायने रखने वाली बात है कि इम्पॉर्टेंट बात उसके लिए है कि आप अगर चैनल का नाम कोई सोच रहे हैं या फिर बस आप देख रहे होंगे कि चैनल नेम जो रख रहे हैं लोग कॉपी करके, सपोर्ट कैसे कि आप कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का जो भी बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है उसका चैनल का नाम आप मिला जुला करके रख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसने नाम में मिला जुला के रखते हैं तो इसमें आपका सबसे बड़ा लॉस है। अब मैं बताता हूँ लॉस क्यों है या फिर नुकसान क्या है। तो अगर सपोज़ कोई चैनल के नेम्स के कोई सर्च करता है, वहाँ भी अगर आपका नाम अगर आ गया वहाँ पे चैनल का नाम, तो बताइए उसमें आपकी वीडियो देखेंगे जो स्टार्टर है या फिर आपको पुराने मतलब जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं या फिर सक्सेसफुल हैं उसकी, तो किसकी यहाँ पे देखेंगे आपको, आप ही बताइए। आपका चैनल वहाँ पे स्किप कर देंगे उसकी, बल्कि देखेंगे जिसके पास मिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं, कुछ भी हैं उनको देखेंगे। तो ये होता है नुकसान। एक हट के बनाइए, मतलब कि जो भी हो यूनिक हो, जो भी आपका आपके अच्छे से आप पसंद करते हो वो चीज़ रखिए। कॉपी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसको सोच समझ के खुद का बनाया हुआ खुद से जो कहीं ना मिले वो चीज़ करना है। तो ये होता है वहाँ पे फ़ायदा और ये होता है नुकसान। फिर सेकेंड थिंग मैं करने वाला हूँ बात यहाँ पे कि आपका जो लिंक्स है, जो यूट्यूब का लिंक्स है, अपनी यूट्यूब की वीडियो की लिंक्स है, आप सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, किस हालात में कर सकते हो किस हालात में नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे करने वाली बात जो है कि किस हालात में कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपके चैनल मोनेटाइजेशन से पहले, मतलब जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है उसके पहले आप हर सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो आराम से विदाउट हिजक के। लेकिन अगर आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है कम समय में कम कभी भी, तो इसको आप ना ही करें सबसे अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस दे सकता है, इसलिए उससे आप बचें। उसके पहले आप कर सकते हो लेकिन फिर भी हद तक। फिर यहाँ पे जो लास्ट मतलब जो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आती है कि आपको जो स्टार्टिंग में अपने चैनल को किस तरीके से व्यूज़ आपको आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए यार, चैनल पे स्टार्टर में व्यूज़ लाना मुश्किल तो होता ही है हर किसी के लिए, लेकिन आप एफर्ट करते रहो। ये भी मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि व्यूज़ कैसे आते हैं या फिर सब्सक्राइबर कैसे आते हैं। सिर्फ वही मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप उसको कंटिन्यू वीडियो आप डालते रहिए, अपना मेहनत खुद की मेहनत आप करते रहो। खुद की मेहनत इन द सेंस कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ पे आप खुद ब खुद आप मेहनत करते रहो। तो इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी एक ही वीडियो वायरल हो गई तो आपका फिर वो मतलब काम बन गया, कहने के मतलब वायरल हो गई तो हो गई, ठीक है। और फिर उसमें अच्छा सा कॉन्टेंट हो, जो भी कुछ हो आपका खुद का ही हो, खुद बोलो खुद करो, ओवर से ओवर वॉइस कुछ यहाँ पर चलने वाली नहीं है क्योंकि कुछ तो अपडेट तो आने ही वाले है कुछ नया। फिर यहाँ पे जो मैं बात करूँगा अगर कि वीडियो को अपलोड करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, फिर मैं वही चीज़ करूँगा कि वीडियो को जब भी आप अपलोड करो YouTube वीडियो पर, तो वहाँ पे कोई आप टाइटल किसी का कॉपी नहीं, किसी का कि आप देख रहे हो टाइटल का डाल दिया या फिर इसका थंबनेल डाल दिया ये देख के। इससे भी करने के लिए जैसे कि सेम मैंने बताया कि YouTube चैनल नेम और इससे टाइटल सेम अगर मैच कहीं करता है तो बताइए, अगर वो बाई चांस सर्च कर लिया, जो सर्चिंग में वीडियो कोई भी होता है अगर सर्च करता है तो दोनों वीडियो ओपन होकर आएंगे, तो बताइए वहाँ आपका देखेंगे कि उनका देखेंगे। तो खुद से क्रिएट करो ना उसको, खुद से क्रिएटेंस बताओ, खुद से अपने दिमाग से सोचो और वीडियो अपलोड करने से पहले बनाने से पहले सबसे अच्छे से बढ़िया से उसको ध्यान में रख के क्या टाइटल हमें करना है, क्या डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है और क्या चीज़ हमें इसमें जो
क्या कहते हैं कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आप लगाते हो उसमें उसको ध्यान से ध्यान करना है कि किस तरीके से आप लिखोगे भाई, एक चीज़ को इधर से उधर करके आप लिख सकते हो, इधर से उधर से, इन द सेंस कि आप हाउ टू रिफ़ंड ऑन फ्लिपकार्ट, तो रिफ़ंड आप ऐसे लिख सकते हो, फिर रिफ़ंड फ्लिपकार्ट से कैसे लें, इस तरह से, मतलब कीवर्ड्स का मतलब यही होता है कि आपकी सर्चिंग वीडियो में किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको जो लास्ट पॉइंट आता है वो होता है थंबनेल का, या थंबनेल तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, फिर वही बताऊंगा, कॉपी आप ना करें, थंबनेल को इतना अट्रैक्टिव बताओ, मतलब कम शब्द में ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात बताओ, ताकि आपका जो थंबनेल है जो जो लिखा हो वो एक बार पढ़ ले, फिर ज़्यादा चीज़ों का वो जो व्यूवर होगा उसको समझ में आया कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ही होगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसको, तो ऐसा होना चाहिए थंबनेल। तो ये रही 4 से 5 पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, या नए यूट्यूबर के लिए, हम जैसे यूट्यूबर को लिए चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं जो मुझे भी ध्यान में रखना चाहिए ऐसी चीज़ें, जो कि 1st, 2nd, 3rd पॉइंट तो मैंने रख चुका हूँ, फिर भी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, कि आपको पसंद आई होगी, तो आई होप कि पसंद तो आ ही होगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को अपडेट ये पता चलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।